आप सबका आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं का एक मॉडल पेपर। और इस पेपर में से काफी सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न पत्र में पूरे प्रश्न है जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो आपका सिलेबस तय किया गया अर्धवार्षिक के लिए उसी के प्रश्न इसमें डाले गए हैं। और ये पूरी तरह से एक मॉडल पेपर है और इसमें से कई सारे प्रश्न आने की संभावना है। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है और 30ों के हम यहाँ पर आपको आंसर भी साथ में देंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है उनको आप याद करिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि यह पेपर खंड आ बा और सा तीन खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में 10-10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरदास के पदों की भाषा क्या है? तो इसमें सूरदास के पदों की भाषा होती है ब्रज भाषा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कवितावली के रचयिता कौन है? तो कवितावली के रचयिता है तुलसीदास जी। द्वैपायन कृष्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर द्वैपायन कृष्ण बोलते हैं वेद व्यास को, ठीक है। मैं और मेरा देश पाठ की विधा है, तो मैं और मेरा देश निबंध विधा है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद। भगिनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण के लेखक हैं, तो इसका हो जाएगा प्रभा जी का आत्मप्राण। इनको अच्छे से याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो अब देखते हैं सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं? तो इसका हो जाएगा 120, ठीक है। नर्मदा के उच्च कुंड से थोड़ी ऊपर कौन सी बगिया है? तो इसका है माई की बगिया, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न जो है आपकी सहायक वचन के प्रश्न है, गद्य खंड के प्रश्न है, पद्य खंड के भी प्रश्न है, ठीक है, और व्याकरण से भी प्रश्न है। इसमें देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, निश्चय निधनचय कौन सी संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा विसर्ग संधि का। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत का विस्मय रस होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं 10 और अब इसमें निम्नलिखित में से कोई चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको चार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और आपको इसमें 6 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको चार प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं? और उस प्रकार अब आगे देखते हैं, आगे में प्रश्न दूसरे के ही, श्री कृष्ण जी को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा जाता है? ये 3 अंकीय प्रश्न है, आपको 75 से 120 शब्द में इनका आंसर लिखना होगा। देश के सामूहिक मानसिक बल का हास कैसे हो रहा है? सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है? रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए कोई 3, ठीक है। तो इनको आपको कर लेना है, इनमें से आपको 4 प्रश्न हल करने थे। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए क्यों? 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको 3 प्रश्न हल करना है। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्य खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। देखिए ये नए पैटर्न पर आधारित है और इसी प्रकार से आपका पूछा जाना संभावित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए, परमानंद निर्गुण और निर्गुण और जगदीश, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगला है, इसी में सम्मानी होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? अब देखते हैं खंडवा, इसके हम आंसर देखते हैं खंडवा के जो वस्तुनिष्ठ हैं। तो खंडवा में भी 10 वस्तुनिष्ठ हैं और इन सभी के आंसर देखते हैं। पहला है, सभी सही विकल्पीय प्रश्न, सही विकल्पीय का चयन कीजिए। और इसमें जो पहला प्रश्न है, माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर है रवि से। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है, पद में मीठे फल का आनंद कौन लेता है? तो पद में मीठे फल का आनंद लेता है गूंगा व्यक्ति। उसके बाद देखते हैं बिहारी की रचना क्या है? बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें है विनय पद की रचयिता है। तो इसका आंसर है सूरदास, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन थे? गीता शास्त्र के महान उपदेशक श्री कृष्ण जी थे। और उसके बाद अगला है, माई की बगिया में खालिस्तान के फूल खिलते हैं, तो गुलाब काबली के फूल खिलते हैं। यहाँ पर बर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? बर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं और शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, चौपाई में मात्राएं होती हैं, तो आप याद रखिए चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। महापुरुष श्री कृष्ण
पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष पैनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामनारायण उपाध्याय। तो महापुरुष श्री कृष्ण के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात हुई सन 1893 में, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न हल करना है और आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सी का, खंड बा का, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आधुनिक काल के 4 कवियों के नाम, उनकी रचना लिखिए, ये भी आ सकता है। अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का वर्णन, ये भी आ सकता है। और अब हम देखते हैं खंड सा। देखिए खंड बा के आप देख सकते हैं पूरे प्रश्न, और अब हम खंड सा पे आते हैं। देखिए खंड सा में हमें देखना है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है श्रृंगार रस का स्थायी भाग क्या होता है, तो इसका रति होता है। भगिनी निवेदिता खालिस्तान की शिष्या थी, तो भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती हिंदू की प्रथम कहानी है। पूरे के सामने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया, तो इसका है शहद। ठीक है, मिट्टी के घड़े में शहद दी थी। साकेत है, साकेत एक महाकाव्य है। रीति से तो परंपरा के कवि कौन है, केशवदास। कम जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है, अल्पज्ञ। और सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। नीति अष्टक के रचनाकार कौन है, तो नीति अष्टक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है, तो इसका आंसर है राजा दशरथ। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, देखिए हमने वहां पर देखा था दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को कहते हैं समास। अब इसी प्रकार इसमें भी प्रश्न है और इस प्रश्न में कोई 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं देश की शक्ति बोर्ड को कैसे जोड़ पहुंचती है, कपिलधारा नामगढ़ के लेखक नामगढ़ से लेखक ने कपिलधारा को किस प्रकार व्याख्यात किया है, और इसमें आपको शुद्ध बनाना है वाक्यों को। और यहाँ पर आप सूरदास का काव्यगत भाव पक्ष तथा कला पक्ष, एक तो कवि परिचय आपका आता वो यहाँ पर करना है। और इस प्रकार से इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें आपको देखिए ये व्याख्या करनी है, कबहु शशि मांगत, और इसको आप देखिए अपनी बुक में से देख सकते हैं और इसके आंसर याद कर सकते हैं। अब देखिए घनानंद हिंदी के रीति मुक्त का अवधारक के कवि हैं। रीतिकाल की 3 धाराओं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त के संबंध में लिखिए। ठीक है, इसको करना है। और बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। देखिए निबंध आप 2-3 करके जाइए, कोई ना कोई आ ही जाएगा। आप देख सकते हैं आधुनिक काल की कविता के इतिहास को कितने पदों में कितने बातों में विभाजित किया गया है। नाम लिखिए। रीतिकालीन 4 कवियों के नाम और रचनाओं लिखिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये एक मॉडल पेपर था और ये सभी क्वेश्चन आप करके जाइए, काफी अच्छे नंबर आपके आएंगे। और यदि ये पेपर में से काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम और भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आपका बोर्ड परीक्षा हो, प्री बोर्ड हो, ठीक है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।